हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजेंद्र सिंह फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेकंड लेसन द थीफ स्टोरी फॉर 10th क्लास। आई वॉज स्टील ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड द ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। चोर स्टार्टिंग में ये बता रहा है कि जब वो अनिल से मिला तो वो तब भी वह चोर था, यद्यपि वह केवल 15 साल का था, लेकिन वो एक अनुभवी और सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, और अनिल जो है वो रेसलिंग का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25 टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड सिंपल एंड फॉर माई पर्पस। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैनस कॉन्फिडेंस। अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा था जब वो उसके पास गया, और वो एक 25 साल का लंबा पतला इंसान था, और वो एक सीधा साधा लग रहा था, नम्र हृदय वाला, और उसने सोचा चोर ने कि ये उसके उद्देश्य के लिए बिल्कुल ठीक है, और वो अपने जो अपना लक है उसको खोना नहीं चाहता था, और उसने सोचा कि वो जल्दी उस मैन का कॉन्फिडेंस है वो प्राप्त कर लेगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर यू सर, तुम भी एक पहलवान की तरह लगते हो, मैंने कहा। ए फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड, एक जो चापलूसी है एक प्रशंसा किसी की करना वो मित्र बनाने में मदद करती है। सो डू यू आई ही रिप्लाइड, उसने कहा तुम भी। विस पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रेदर थिन, कुछ समय के लिए वो थोड़ा जैसे झिझक गया क्योंकि उस समय वो कुछ थोड़ा ज़्यादा पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलिंग ए बिट, फिर मैंने नम्रता से कहा हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जब अनिल उससे नाम पूछता है चोर से, तो वो अपना नाम हरी सिंह बताता है। आई लाइड, ये उसने वो बताता है कि मैंने झूठ बोला, अपना नाम हरी सिंह बताया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और हर महीने वो अपना नाम बदल लेता है, इसका कारण भी बताता है वो। दैट कैप मी हेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, यानी इससे वो पुलिस से और जो दूसरे एम्प्लॉय जिनके साथ वो मतलब उसका जिससे काम पड़ा है उससे वो उसे उसकी पहचान नहीं हो पाती। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन आई अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने बातें की जो बढ़िया पहलवान जैसे ग्रंटिंग गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, थ्रोइंग इज अदर अबाउट, एक दूसरे को जैसे उठा पटक कर रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी जैसे थोड़ा थोड़ा उसके पीछे चलता रहा रुक रुक कर। हेलो अगेन ही सेड, फिर उसने कहा दोबारा से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैं उसकी तरफ मुस्कराया ताकि वो उसका जैसे फ्रेंड बन सके। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, यानी चोर कहता है अनिल को कि वह उसके लिए काम करना चाहता है। बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, इस जब अनिल ने कहा कि वह उसे तनख्वाह नहीं दे सकता तो चोर ने कुछ समय के लिए सोचा परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, उसने सोचा कि उसने आदमी को समझने में गलती कर दी, यानी वो उसको जैसे थोड़ा अमीर सोच रहा था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कैन यू फीड मी, तो तुम मुझे क्या भोजन दे सकते हो। कैन यू कुक, ये कहने पर अनिल ने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, यानी चोर ने दोबारा झूठ बोला कि वह खाना पका सकता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम भोजन पका सकते हो तो मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वह मुझे अपने रूम में ले गया जमुना स्वीट शॉप के ऊपर।
टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, और मुझे बताया कि वह बालकोनी के ऊपर सो सकता है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, लेकिन उस रात जो उस चोर ने खाना पकाया वो बहुत ही बुरा था और अनिल ने यह खाना कुत्तों को दे दिया, आवारा कुत्तों को, स्ट्रे डॉग। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और उसने फिर उस चोर को चले जाने को कहा लेकिन वो चोर इधर उधर ही घूमता रहा थोड़ा मुस्कुराते हुए, जिससे वो हंसे बिना नहीं रहा अनिल। लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन हिज हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि ध्यान माइंड मत करना, ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टोल्ड मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर, वह उसे पढ़ना सिखाएगा और पूरे सेंटेंस भी बनाना और नंबरों को ऐड करना, ये बातें सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं कृतज्ञ था। आई न्यू मैं जानता था दैट आई वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, और उस चोर ने सोचा यदि वो एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख गया तो उसके लिए कुछ भी वो अचीव कर सकता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यह अनिल के लिए एक खुशी वाली बात थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए सुबह में चाय बनाता। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग डे सप्लाईज, फिर और अपना वो टाइम जो दिन की जो सप्लाईज होती है उसको खरीदने में लगाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, यानी दिन में एक रुपया प्रॉफिट कमाने का काम। आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटल मनी इन दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू बी माइंड, और मैंने सोचा कि वह जान गया होगा कि जो मैं थोड़े पैसे बनाता हूँ इस प्रकार से, लेकिन वो इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा था दे रहा था। तो ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है। थैंक्स।